क्वेश्चन नंबर थ्री को देखो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक बहुत बेहतरीन सा एमसीक्यू है। आप लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व भी किए होंगे, ये वाला एमसीक्यू भी देखो दमदार एमसीक्यू है। किस तरह से आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ हो जाएगी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, बॉडी के पास में क्या है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, और जब एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आता, इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट आएगा, ये तो आपको पता है। अगर रिटार्डेशन होता तो यूनिफॉर्मली डिक्रीमेंट आता, वेलोसिटी घटती उसकी, ये तो आपको अच्छे से पता है। उसने हमसे मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है, इट मींस वेलोसिटी तो बढ़ेगी भैया जी। हमसे कह रहा है और जो मूवमेंट में इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो है, तो बताओ फिर कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ काम करेगा, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ काम करेगा इस बात के लिए कि एक्सीलरेशन भी हो और इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले ग्राफ को देखो, ये वेलोसिटी वाला पॉइंट था और ये टाइम वाला, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा, तो इसका मतलब ये है किसी पर्टिकुलर टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, है ना। इसका ग्राफ का मतलब यही है कि जीरो, जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो वेलोसिटी भी इसके पास कितनी होगी, जीरो। लेकिन सवाल ये कहा गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ की तरफ को देखो, जब टाइम जीरो था तब उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, बिल्कुल बात सही है, कुछ वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी नॉन जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी घटती चली गई, देखो टाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घट गई, और टाइम बढ़ाया आपने तो वेलोसिटी और घट गई। तो जब वेलोसिटी घटती है तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन कहलाती है, रिटार्डेशन होता है इसमें। लेकिन सवाल के अंदर रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मसला दिया हुआ है, तो इसका मतलब ग्राफ ये भी नहीं हो सकता। इसको देखें, इसमें जब टाइम जीरो था तो उसके पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी थी, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी नॉन जीरो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी बढ़ती चली गई, टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी बढ़ती चली गई, और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल सही ग्राफ है। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक्सीलरेशन भी है और आपका जो इनिशियल मूवमेंट था वो नॉन जीरो वेलोसिटी से था, मतलब ये वाला ग्राफ बिल्कुल ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको गलत साबित करते हैं, ये वाला ग्राफ कैसे गलत हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से गलत हो जाएगा कि वेलोसिटी कुछ टाइम तक तो बढ़ी ही नहीं, टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी जीरो से है, कुछ टाइम तक बढ़ी नहीं, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, टाइम स्टार्ट हो गया गाड़ी रुकी हुई है, और कुछ टाइम बाद गाड़ी के पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन क्या ऐसा है, क्वेश्चन में तो ये कह रखा कि शुरुआत में जब टी इज इक्वल टू जीरो है तब उसके पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, तो वो ग्राफ सिर्फ सी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैठें, बेल आइकन दबा कर बैठें भाई, नाइन्थ वालों मज़ा आ जाएगा आप लोगों के लिए।